नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। पाकिस्तान आतंकवाद प्रायोजित देश, अमेरिकी संसद में आया विधेयक। अमेरिका के दो बड़े राजनीतिक दलों के दो प्रभावशाली सांसदों ने पाकिस्तान को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला देश घोषित करने के लिए प्रतिनिधि सभा में एक विधेयक पेश किया है। कांग्रेस के सदस्य एवं आतंकवाद पर सदन की उपसमिति के अध्यक्ष टेड पो ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम पाकिस्तान की धोखाधड़ी के लिए उसे धन देना बंद कर दें और उसे वह घोषित करें जो वह है। इस विधेयक को रिपब्लिक पार्टी के पो और डेमोक्रेटिक पार्टी से कांग्रेस के सदस्य डाना ने पेश किया है। पो ने कहा कि पाकिस्तान विश्वास न करने योग्य सहयोगी ही नहीं है, बल्कि उसने अमेरिका के शत्रुओं की वर्षों से मदद भी की है और उन्हें बढ़ावा भी दिया है। द्वीप की मांग, पाकिस्तान पर हमला कर पीओके वापस ले सरकार। विश्व हिंदू परिषद ने मंगलवार को मोदी सरकार को पाकिस्तान पर हमला करने और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर वापस लेने को कहा। द्वीप ने कहा कि इस मुद्दे पर संसद की ओर से पारित प्रस्ताव को पूरा करने का यह सही वक्त है। द्वीप के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव सुरेंद्र कुमार जैन ने कहा कि भारत को पाकिस्तान पर हमला और पीओके पर कब्जा कर लेना चाहिए, यह हमारा वैध अधिकार है, यह हमारा है और पाकिस्तान ने इस बाबत प्रस्ताव भी पारित किया है। जैन ने कहा कि उड़ी हमले की चौतरफा निंदा हुई है और अंतर्राष्ट्रीय राय पाकिस्तान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यह पड़ोसी देश पर हमले का सही समय है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अभी अलग थलग पड़ गया है। राहुल गांधी बोले, सेल्फी की मशीन बनकर रह गए हैं मोदी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी झूठा वायदा करते हैं और सेल्फी की मशीन बनकर रह गए हैं। राहुल ने एक जनसभा में कहा कि प्रधानमंत्री तो सेल्फी की मशीन है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता चुनाव के पहले दंगा कराते हैं, जिसका उदाहरण बिहार, हरियाणा, असम और महाराष्ट्र है। राहुल ने देवरिया से दिल्ली तक की किसान यात्रा का मकसद किसानों का कर्ज माफ, बिल हाफ और किसानों को सस्ती दर पर दाल प्रदान करना बताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए राहुल ने कहा कि 4.5 साल तक अखिलेश भ्रष्ट मंत्रियों के लिए साइकिल चलाते रहे, अब अचानक भ्रष्ट मंत्रियों को साइकिल से नीचे उतारकर पुनः उन्हें क्यों बिठा रहे हैं।